आज हम एक कोरियन ड्रामा आई एम नॉट अ रोबोट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे ह्यूमन के बारे में सुना जिसे ह्यूमन बीइंग से एलर्जी होती है? ये स्टोरी ऐसे ही एक ह्यूमन किम मेन क्यू की है, जिसे एक स्वेयर टाइप की एलर्जी होती है जो ह्यूमन बीइंग से कॉन्टेक्ट में आने पर ट्रिगर होती है, इसीलिए वो अकेला रहना ही पसंद करता है। किम मिन क्यू, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहा है, बजाहिर उसे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला होता है। किम की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी वो एलर्जी है जो ह्यूमन बीइंग से कॉन्टेक्ट पर ट्रिगर होती है, इसीलिए बचपन से ही वो एक बड़े से मेंशन में बिल्कुल अकेला रहता था। किम की ये बीमारी फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल थी। ये बीमारी उसे कैसे हुई ये हम आगे जाके जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जिया को, जो कि एक पैकेज डिलीवरी पर्सन का काम करती है। एक दिन जिया किम को एक पैकेज डिलीवर करने जाती है। किम उस टाइम एक गाड़ी में बैठा होता है और जिया से कहता है कि वो उस पैकेज को बैक सीट पे रख दे। जिया उसकी बात मान के ऐसा ही करती है, लेकिन किम जब उस पैकेज को देखता है तो वो थोड़ा डैमेज हुआ होता है, इसीलिए वो उसे पेमेंट करने से इनकार कर देता है। जिया उसे पैकेज के पेमेंट की डिमांड करती है, जिस पर उन दोनों के बीच में काफी बहस होती है। किम जैसे ही कार का शीशा नीचे करता है, जिया उसका कॉलर पकड़ लेती है, जिसके रिएक्शन में एलर्जी स्टार्ट होने लगती है। किम जिया को धक्का देकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इस सब के बीच में वो जिया का फेस नहीं देख पाता और उसे पैसे दिए बगैर ही पैकेज लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट किम से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है। वो किम को बताते हैं कि उनकी कंट्री से कोई भी कंपनी उसे उस रोबोट की मेकिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि अमेरिकन कंपनीज ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में वो रोबोट की मेकिंग का सारा रिसर्च वर्क डिमांड करती हैं। वो साइंटिस्ट चाहते हैं कि उनकी रिसर्च को उनकी कंट्री का नाम मिले और इस काम के लिए वो किम की कंपनी से हेल्प मांग रहे होते हैं। वो किम से रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक बार आकर वो उस रोबोट को देख ले। फिर हम देखते हैं किम लैब जाता है उस रोबोट को देखने के लिए, और वो एक गर्ल रोबोट होती है जिसकी शक्ल जिया से मिलती है। एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने वो रोबोट बनाया, जिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और जब वो ये रोबोट बना रहा था तब जिया उसके साथ थी। वो उस रोबोट को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह खूबसूरत बनाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे जिया का फेस दिया। किम जब उस लैब में जाता है तो वो रोबोट उसे वेलकम करती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। उसे देखकर किम डर जाता है और कहता है मुझसे दूर रहो, लेकिन फिर वो रोबोट उसे शो करती है कि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि रोबोट है। किम जब उसे टच करता है तो उसे कोई एलर्जी भी नहीं होती। ये देखकर वो बहुत खुश भी होता है और हैरान भी होता है। तभी वहाँ होंग आ जाता है, जो कि वही साइंटिस्ट था जिसने इस रोबोट को बनाया था। होंग उस रोबोट का नाम AG3 के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है और किम को उसके फीचर्स भी बताता है। किम उसे कहता है वो इस रोबोट को कुछ अर्सा घर पे अपने साथ रख के टेस्ट करेगा। फिर हम देखते हैं रोबोट को किम के घर भेजने से पहले होंग उसकी डिटेल चेकिंग कर रहा होता है। इसी बीच गलती से उसके सिस्टम में पानी का एक कतरा चला जाता है, जिससे उसका सिस्टम खराब हो जाता है। होंग को उसे दोबारा से ठीक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, लेकिन किम ने उसे वो रोबोट अगले ही दिन घर डिलीवर करने का कहा था। होंग ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने जिया से कॉन्टेक्ट किया। जिया को सारी सिचुएशंस बताने के बाद उसने जिया से उसकी हेल्प मांगी और इसके बदले में उसने उसे पे करने के लिए भी कहा, क्योंकि उस टाइम वो जानता था कि जिया को पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो उसकी हेल्प के लिए मान भी जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि किम वही इंसान है जिसने उसके पैकेज के पैसे भी नहीं दिए। अगले दिन होंग जिया को AG3 के गेटअप में रेडी करके किम के मेंशन भेजता है। वहाँ जब जिया अचानक से किम को अपने सामने देखती है तो डर जाती है और चीख मार देती है। किम को उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो होंग को कॉल करके इस बिहेवियर की वजह पूछता है। होंग उसे कहता है कि उसने स्पेशली उसके लिए इस रोबोट को फ्रेंड्स मोड पे सेट किया है। ये फीचर इसके लिए नया है, इसीलिए इसमें मेल फंक्शनिंग हो सकती है, वो परेशान ना हो। ये जानकर किम डिसाइड करता है कि वो इस रोबोट को ट्रेन करेगा। वो जिया से कहता है कि अब से हर टाइम तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी हर चीज का ख्याल तुम रखोगी। फिर हम देखते हैं जिया हर टाइम किम के साथ रहती थी,
इवन जब वो बाहर भी जाता था तो वो उसके साथ जाती थी। किम भी जिया के साथ को काफी इंजॉय करता है और उसका अकेलापन भी दूर हो जाता है। इस बीच जब भी जिया से कोई मिस्टेक हो जाती तो वो बैटरी लो का बहाना करके स्टैंड बाय मोड पे लग जाती। जिया के साथ होने की वजह से किम ह्यूमन बींग्स के बीच आराम से चला जाता है और उसकी एलर्जी भी ट्रिगर नहीं होती। किम को जिया के साथ की इतनी आदत हो गई थी कि जब भी जिया उससे दूर हो जाती वो डर जाता और दोबारा से उसकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती। फिर एक दिन जिया देखती है कि घर के बाहर एक लेडी खड़ी है जिससे बात करते हुए किम उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है और उसकी एलर्जी उस पे असर करने लगती है। किम जब अंदर आता है तो उसकी हालत काफी बुरी होती है। जिया जल्दी से जाकर उसकी मेडिसिन ला के उसे इंजेक्ट करती है जिससे वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा अपसेट होता है और जिया से शेयर करता है कि उसे ये एलर्जी कैसे हुई। जब किम 7 साल का था तो उसके पेरेंट्स की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड ने उसकी कंपनी का टेक ओवर किया, लेकिन वो सिर्फ किम के बड़े होने तक ही इस कंपनी के मालिक थे। इसीलिए वो किम को धोखा देकर वो कंपनी अपने नाम करवाने की कोशिश करते हैं। किम उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था क्योंकि उनके अलावा उसका कोई नहीं था। जब उसे पता चला कि वो धोखेबाज हैं तो उसका दिल बुरे तरीके से टूट गया और तब उसे पहली बार ये एलर्जी हुई। यही वजह है कि ये एलर्जी फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। किम का ट्रस्ट ह्यूमन बींग से बिल्कुल खत्म हो गया, इसीलिए उसे एक ऐसी एलर्जी हो गई जो ह्यूमन बींग से कॉन्टेक्ट में आने पर ट्रिगर होती है। ये बात जानकर जिया सोचती है कि वो भी तो एक इंसान है, तो फिर उसके कॉन्टेक्ट में आने पर उसे ये एलर्जी क्यों नहीं होती। वो होंग के पास जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि जब वो ये जानता था कि किम को ह्यूमन बींग से एलर्जी है तो उसने उसे उसके पास क्यों भेजा। वो कहती है कि अगर किम को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ न कर पाती। होंग उसे बताता है कि वो ऐसी किसी भी एलर्जी के बारे में नहीं जानता था, वरना वो उसे कभी भी बहाना भेजता। जिस पर जिया होंग से कहती है कि वो ये सब जल्द से जल्द खत्म कर दे क्योंकि वो अब दोबारा से रोबोट बन के किम के सामने नहीं जाना चाहती। होंग उसे थोड़ा टाइम मांगता है और कहता है कि AG3 बस रिकवर होने ही वाली है, एक बार वो रिकवर हो जाए फिर वो उसे AG3 के साथ रिप्लेस कर देगा। इसी बीच किम को ये रियलाइज होता है कि वो AG3 से प्यार करने लगा है। अपने रोबोट के लिए ये फीलिंग्स रखना उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो AG3 को रीसेट कर देगा और उसके अंदर से अपनी सारी यादें मिटा देगा। उसे रीसेट करने से पहले एक रात वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और बेहोश होने से पहले वो AG3 से कहता है काश तुम रोबोट ना होती। ये सुनकर जिया उसे कहती है काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं रोबोट नहीं इंसान हूँ। अगली सुबह किम AG3 को रीसेट कर देता है और उसमें बने अपने फोल्डर को भी डिलीट कर देता है। इसी बीच ओरिजिनल AG3 भी रिकवर हो जाती है, इसीलिए जिया डिसाइड करती है कि वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाएगी। AG3 को रीसेट करने से पहले किम उसके गले में अपनी मॉम का पेंडेंट पहनाता है और वो पेंडेंट जिया अपने साथ रखती है, AG3 को ट्रांसफर नहीं करती क्योंकि किम के साथ रहकर उसे भी किम से प्यार हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि किम को सच्चाई का पता चले। जिया के साथ ने किम को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि अब वो ह्यूमन बींग्स के बीच में घबराता नहीं था। वो फाइनली अपने डैड के फ्रेंड की सच्चाई को सबके सामने रिवील करता है और उन्हें बहुत बुरा भला कहकर फर्म से निकाल देता है। जिया जब शहर छोड़कर जा रही होती है तो जिस बस से वो ट्रेवल कर रही होती है किम भी उसी बस में होता है। किम की नज़र जब जिया पे पड़ती है तो वो बहुत हैरान होता है। वो फौरन से होंग को कॉल करता है और उसे सब बताता है और तब होंग उसे बताता है कि उसने AG3 का फेस अपनी गर्लफ्रेंड के फेस की तरह रखा। किम ना चाहते हुए भी जिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसके पीछे वहाँ तक भी पहुँच जाता है जहाँ वो रहती है। जिया उसके सामने AG3 और उससे रिलेटेड सारी बातों से अनजान होना शो करती है। दूसरी तरफ किम के वो अंकल जिसे उसने बेइज्जत करके कंपनी से निकाल दिया वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें जिया वाले मामले का पता चलता है तो वो उसकी तह तक जाते हैं और सारे सबूतों के साथ किम को बताते हैं कि जिया ने उसे धोखा दिया है। किम उनकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन एक दिन किम जिया के गले में अपनी मॉम का पेंडेंट देख लेता है और उसे सब पता चल जाता है। उसे जब ये पता लगता है कि जिया ने भी उसे बाकी सबकी तरह धोखा दिया तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो मरने वाला होता है। जिया उसके लिए बहुत परेशान होती है और वो गिल्टी भी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। जब किम ठीक हो जाता है तो वो उसे माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मजबूर थी, लेकिन किम उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा उस पे गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने का कहता है। जिया बहुत गिल्टी होती है और इस गिल्ट की वजह से वो खुद को माफ नहीं कर पा रही होती। उसकी बेस्ट फ्रेंड से उसका ये हाल देखा नहीं जाता। वो किम के पास जाती है और उस पे गुस्सा करती है। वो उसे सारी सच्चाई बताती है और उसे ये भी बताती है कि जिया भी उससे प्यार करने लगी
लगी है। किम ये रियलाइज करता है कि वो जिया के बगैर अधूरा है। उसे वो सारे लम्हे याद आते हैं जो उसने जिया के साथ स्पेंड किए। उसे ये रियलाइज होता है कि वो जिया की वजह से ही अपनी बीमारी से रिकवर हुआ है। वो जिया के पास जाता है और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ हमारी वीडियो का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।